सबका दम घुट गया, आगे जाके दिक्कत आ सकती है। अपने खाया कि और कुछ खाने तो खा ले, 5-6 रोटी के बाद मैं कह रहा हूँ। सबसे मुश्किल से तो ये जूझ रही है, बस स्टॉप पे खड़ी है। मंदिर में काम हो ना सर आज? तीन दो बच्चे हैं उनके। अच्छा, दो बच्चों के लिए स्कूल है। अंकल बता रहे शिवलिंग 70 फुट ऊंचा, यहाँ से छोटा दिखता है। ये थोड़ी है, ये नीचे वालों का, वहाँ लगा दो लाइसेंस लेके आना। एक ना फ्रोजन हो जाती है भाई, इतनी प्यारी प्लेस है ना। गरमैश आ गई मम्मी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। मैं उम्मीद करता तुसी सारे वधिया होगे, सो दिन बहुत वधिया जा रहे होणगे। दिन वधिया गया है साडा, बट साडी रात बड़ी औखी हो गई सी। क्यों? क्योंकि कल हमने ना रज के खा लिया और रात को कमरे में हीटर चल गया, हीटर की वजह से सबका दम घुट गया। पहले इन तीनों का घुटा, मैं तो रात को एडिटिंग कर रहा था, फिर जब मैं सोया भाई साहब मेरा घुटा, मेरे को लगा कि अब तो उल्टी उल्टी आ जाएगी। फिर मैं उठ के बैठा, दो घुट पानी पिया, हीटर बंद किया, फिर रात सही निकल गई। बाकी ठंड है यहाँ पे, मेरे को अभी तक लग रहा है कि उल्टी आएगी। ये भाई साहब का गैस चढ़ी हुई है ना, गैस नहीं खाली हुई इसकी, तभी इसको दिक्कत हो रही है। हुई खाते हम कल से खाई जा रहे हैं, माल बाहर को जा नहीं रहा, इनकमिंग हो जा रही है, आउटगोइंग नहीं हो रही। हमें ये नहीं पता ना, पंजाबी है हम, कि हमें पहाड़ों पे आके कम खाना होता है। हम तो अपनी डाइट के हिसाब से ही रज के खाते हैं, तो हमने रज के खाया हुआ है। मैं रात को खा गए 5-6 रोटी खा गया, अपने खाया कि और कुछ खाना तो खा ले, 5-6 रोटी के बाद मैं कह रहा हूँ नहीं पापा ऊपर आए हैं रहने देते हैं। याद आ गया 5-6 रोटी का, नहीं भाई हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी इतनी ऊपर। पापा पिन्ने ऊपर छोड़ आए थे। ओहो हो, इसके बिना कैसे जुगाड़ होता है यार। मेरे वास्ते तुझे फिर दूसरा खा लेंदे, बोले नहीं जा रहा, सारे चढ़े आया, सारे लख लख बधाइयां, हैप्पी विसाखी टू एवरीवन, सारे विसाखी दी लख लख बधाइयां। बड़े हल्के बंदे हैं यार ये, रात को दवाई सुबह दवाई, मेरे को देखो मैंने सबसे लाइट जैकेट पहनी हुई है, मेरे को अभी भी ठंड नहीं लग रही है। तेरी कनाडा दी है, कनाडा की है तो ये थोड़ी गर्म है इतनी, सबसे लाइट जैकेट है ये, और सारे ठंड से ठंड से कौन कांप रहा है। गोली लिया मैंने, पेट खराब, ठंड तो पेट खराब नहीं, पेट ठीक है, माहौल खराब है। देखने की बारी है, हमारी गाड़ी चालू होती है नहीं होती, क्योंकि कल रात को -5 था और डीजल गाड़ी है, हो जाएगी। लेट्स सी, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तू 4-5 बार कर यार, ऐसे व्यूज नहीं आते, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ गाड़ी बंद हो गई है, बैठ गई है हमारी गाड़ी, आगे जाके दिक्कत आ सकती है। एक बार चालू कर, नहीं हुई भाई साहब, ये तो एक बार में होगी, कुछ तो करते स्कॉर्पियो यार, ताकि हम व्यूज तो ले, ऐसे व्यूज कैसे कमाएंगे हम। बोले सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की फतेह। सो फाइनली हम चितकुल को बाय बाय करके निकल चुके हैं, चाय पीनी थी पर चाय थोड़ी सी आगे पियेंगे, सांगला में पी लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं रिकोंगपियू, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर आगे कल्पा भी है, तो आज का दिन भी बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। ये पहाड़ है जो हमारे राइट साइड में है, ये सारे सूखे हैं और ये बर्फ से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कल मैंने अंकल से पूछा, अंकल कहते हैं यहाँ पे धूप पड़ती है, उधर धूप नहीं पड़ती, इसलिए वो बर्फ वाले हैं, इसलिए सूखे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी आ गई है, बड़ी सारी फौज खड़ी कर रखी है इन्होंने। ओ एक चीज देखो, इनके कानों पे ना ये लगा हुआ है कि कौन सी किसकी भैंस है, मोर लगा रखी है इन्होंने, नंबर नंबर हाँ जो भी है गाय है, नंबर लगा रखे हैं सबने अपने कानों पे। ट्रेंड है भाई आजकल, कोई भी वालियां पालो सब चलती है। सबसे मुश्किल से तो ये जूझ रही है, बस स्टॉप पे खड़ी है, पता नहीं कब आएगी बस, कब इसको लेके जाएगी। अगली को भी पता है कि बस स्टॉप पे खड़ी होंगी तभी कहीं जा पाऊंगी, क्योंकि पैदल जोगे जाने वाले लात नहीं, इसके भी गोटे जवाब देंगे ना मम्मी जैसे। पर क्या वो भी बस का इंतजार कर रही है, कहती है हूं तो कोई आएगा ता मैं लेके जाएगा, खुद ते मेरे बस दा नहीं रहा। बोल सकती नहीं, इत्ते खड़ी होवांगे तो कोई समझेगा। भाई कल जब हम यहाँ से जा रहे थे ना चितकुल के लिए, तो गगन कहता है ये कोई ऐतिहासिक मंदिर है, क्योंकि इसके सामने कोई गुफा है, बाबा जी ने रोका है। जय माता दी। कल हम वहाँ से आए थे सीधा से, जहाँ से नारकंडा दिखा रहा, तो हम इस फ्लाईओवर पे चढ़ गए थे, इस फ्लाईओवर के बाद लेफ्ट लेके आगे सांगला और चितकुल के लिए निकल गए थे। बट अगर आपने नहीं जाना तो आप यहाँ से सीधा निकल जाओ जो काजा के लिए निकलता है, क्योंकि चितकुल ना अलग है भाई। अगर आपने काजा जाना है तो नीचे से चले जाओ, रिकोंगपियू जाना है तो यहाँ पे ऊपर जाके आपको जाना पड़ता है, थोड़ा सा अंदर है, ज्यादा अंदर नहीं है। वो नहीं है कि हाँ 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे अंदर है,
थोड़ा सा आधा घंटा का फर्क है यहाँ से। भाई हम ना कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ना गूगल मैप से नीचे से दिखा रहा है और जो नीचे बोर्ड लगा हुआ था वो ऊपर से दिखा रहा है। तो हमने दो बंदों से पूछा, एक बोलेरो वाला था वो भी कहता नीचे से भी है ऊपर से भी है। अब ये जो अंकल सामने जा रहे हैं 800 वाले, इनसे हमने पूछा तो ये कह रहे नीचे क्यों जा रहे हो, दोबारा से ऊपर ही रहो, ये शॉर्टकट है, तो ऊपर से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ये देखो गूगल मैप कहीं और से दिखा रहा है और अंकल हमें ऊपर से लेके जा रहे हैं क्योंकि ये शॉर्टकट है वाली रोड से, वो जो रोड जा रही है बिल्कुल ऑपोजिट नीचे। हाँ यहाँ से निकलोगे 10 किलोमीटर है सर, नीचे से 20 किलोमीटर है, ऊपर से 10 किलोमीटर है, शॉर्टकट है 10 किलोमीटर बच गए ऊपर से। भाई ये ट्रॉली देखो कहाँ से आ रही है, कहाँ से इजी मतलब सामान उतर जाए पहाड़ से, और यहाँ पे उसका इंजन उंजन लगा हुआ है। यहाँ से ट्रॉली चलती है वो जाती है सबसे ऊपर टॉप पे, ओ भाई साहब टॉप पे, वहां से इनके फ्रूट्स वगैरह के जो होते हैं सारे सिस्टम लगे होते हैं एप्पल वगैरह, यहाँ से नीचे चली जाएगी यहाँ पे खत्म है, खत्म हो जाएगी। अच्छा मतलब ऊपर रहते हैं लोग बाग, वहाँ फ्रूट्स वगैरह तोड़ के इकट्ठे कर लेते हैं, वहाँ भी इन्होंने ऐसे ही बना रखा है, इसमें लोड कर देते हैं नीचे आ जाते हैं, बंदे भी आ जाते हैं बैठ के नीचे। नहीं बंदे थोड़ी आते होंगे, आते हैं, नहीं नहीं आते हैं बंदे, नहीं मान सकता मैं बंदों का, भाई जान का खतरा है, सामान तो मैं मान सकता हूँ। हाँ जी सर पहुँच गए आप तो, है ना ये जो देखो 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 दिख रहा है ना ये गेट आएगा ना ये देखो ये हरे रंग का गेट आएगा ना, ठीक है ना कल्पा। हाँ हाँ कल्पा, ये देखने की क्या जगह है यहाँ पे, कल्पा मोनेस्ट्रीज वगैरह है, मंदिर वगैरह है, बाकी किन्नर कैलाश होगा, किन्नर कैलाश कल्पा से बिल्कुल दिखेगा, और कासा के लिए जाना तो ये फिर वहीं से ना, यहाँ नहीं आना आपने, ठीक है रिकॉम्पियो से ना हार्डली 6 किलोमीटर है नीचे उतरना ना, ठीक है वहाँ से उतर ऊपर इधर यहाँ नहीं आना आपने ना, ठीक है अंकल वहीं से वहीं निकल जाएगा, हाँ, ठीक है हाँ, ओके ओके थैंक यू अंकल। कोई दिक्कत आ रही है, महिंद्रा का सर्विस सेंटर है यहाँ पे रिकॉन्गपियो में, ये स्कूल आ गया यहाँ का, जा पढ़ ले देखो लोड है मेरे को नहीं है, लोड तेरे को है दोनों का, ये देखो एक और है पहले आप ही को भेज, मम्मी एक बार बोल दो तुहानू तिन्नानू है काम ही मुको तन्नू तिन्नानू है पढ़ने की लोड है, चलो दिल्ली चल के एडमिशन लो। पेट्रोल पंप आ गया रिकॉन्गपियो का, तेल भरवाना है हमने अभी तो है यार हमारे पास 400 किलोमीटर के लिए है, बहुत है 400 का 350 लेके चलो, चलो 350 भी बहुत है, आगे और भी आएंगे। भाई रिकॉन्गपियो में ना यही है जो मोनेस्ट्री है और मार्केट और मंदिर है। भाई कल्पा के लिए अब हम निकल चुके हैं, रिकॉन्गपियो से 6 किलोमीटर ऊपर है तो 15-20 मिनट लगने हैं हमें। क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, ये धर्मशाला वाइब्स दे रहा है भाई, बीच में बना हुआ है चारों पास से पहाड़ी पहाड़, भाई वो री मोनेस्ट्री यहाँ जाना है हमने। भाई दुकानें देखो कितनी पुरानी दुकानें हैं छोटी छोटी, भाई ट्यूशन देखो यहाँ पे, यहाँ ट्यूशन पढ़ाई जाती है, भाई स्कूल भी है यहाँ पे मोनेस्ट्री के अंदर ही, स्कूल साथ है उसके नीचे ट्यूशन क्लासेस है, यहाँ से फेल हो सीधा नीचे ट्यूशन क्लासेस में चले जाओ। भाई मोनेस्ट्री वो है, ये माता का मंदिर है जो बंद है अभी, इधर से नहीं है रास्ता, मोनेस्ट्री भी क्लोज्ड है, मंदिर भी क्लोज्ड है, मोनेस्ट्री भी क्लोज्ड है, मंदिर भी बंद रहता है। कौन सा मंदिर तो खुला है अभी तो बंद है, कैसे नहीं नहीं अभी आज जो है ना मैं मंदिर ही जा रहा हूँ। अच्छा आज जो है वो मूर्तियाँ जो है वो लग के, वो जो देवते के जो मूर्तियाँ होती है ना वो पूरा लग के तैयार होगा आज। अच्छा शाम के टाइम तक जो है ना वो निकालेंगे पूरा। भाई मोनेस्ट्री अंकल ने बताया कि सुबह शाम खुलती है आरती के टाइम, मंदिर क्लोज है क्योंकि उनका कुछ रिलीजियस चीज है आज, अंकल ने समझाई थी आपको। ये देखो ये सारे जा रहे हैं जो आज मंदिर की सफाई होनी है ना, सारे सामान लेके जा रहे हैं। मंदिर में काम होना सर आज, अरे कल के लिए काजा से लूलिंग। अच्छा वो पहले काजा से नहीं, काजा से आगे है लांगजा से आगे जाके। अच्छा वहाँ पे एक घर है और वहीं पे दो बच्चे रहते हैं उसी के लिए स्कूल है, पूरे दो बच्चे हैं उनके। अच्छा दो बच्चों के लिए स्कूल है वो बड़ा। अच्छा आंटी थैंक यू सो मच, मजा आ गया खा के, आना अगर कल पाओगे ना तो मंदिर वाली गली है मोनेस्ट्री वाली, उसके साथ ही आंटी का रेस्टोरेंट है ज्योति ईटिंग कॉर्नर। भाई मजा आ गया रोटी का सुबह से ना, आपको व्लॉग में जान कम लग रही होगी तो भाई हमसे भी काम नहीं हो रहा है। टेम्पल टाइप बना हुआ है जो अंकल बता रहे शिवलिंग 70 फुट ऊंचा, यहाँ से छोटा दिखता है। ये असली फोटो है, ये देखो ये असली फोटो, ये है उसके ऊपर। भाई मौसम ना थोड़ा ठंडा होता जा रहा है और क्लाउडी होता जा रहा है, पापा ने बोला है कि संडे स्नोफॉल के चांसेस है काजा में। भाई मजा आ जाएगा स्नोफॉल होगी तो, दो पॉइंट ऑफ व्यू एक फ्रेम में दिख रहे हैं, मजा आ जाएगा।
मिनट रास्ते दिक्कत आएगी। ये दिखाता है एज गैप कि हम एडवेंचर करना चाहते हैं, मम्मी घर पहुंच जाए बस जल्दी से। अब हम जा रहे हैं नाको की तरफ, 2-2.5 घंटे लगेंगे तो वहीं यहाँ स्टे करेंगे क्योंकि एक दिन में काजा नहीं पहुंच सकते भाई, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हेक्टिक हो जाएगा। काजा ना चलने क्या हो गया भाई साहब, यहीं तक से रहने दो। मेन तो मम्मी स्पीति के लिए, स्पीति ना पहुंचे तो फिर फायदा क्या। तो ड्राइवर भैया हमें वहाँ पे मिले थे अभी जहाँ पे हम खाना खा रहे थे, तो उनसे हमने पूछा था कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा था आप नाको जा रहे हो तो रास्ते में पू में मिल जाएगा आपको। हाँ, उसके बाद सीधा काजा, उसके बाद सीधा काजा मिलेगा। और काजा में सरकारी पेट्रोल पंप है जो 9:30-9 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, जैसे अपना SBI बैंक। इकोंग पीओ की मेन मार्केट है जहाँ पे सब कुछ मिल जाए, थोड़ी सी वेल डेवलप्ड मार्केट है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, अच्छा बुला रहे हैं, देखो इधर जाना सर, इधर इधर जाना है। नहीं सर, सर नहीं, खड़े थे हम तो। नहीं नहीं, ये थोड़ी है, ये नीचे वालों का, वहाँ लगा दो लाइसेंस लेके आना, यहाँ लगा दो बाप। ये जो ये वाली रेड लाइट लगी हुई है ना, हम इसको देख के वहाँ पे रुके हुए थे, पुलिस वालों ने हमें इशारा किया, हम आगे आगे कहते ये तो नीचे वालों की रेड लाइट है। फाइनली हम चलान कटवा चुके हैं। दिक्कत क्या हुई थी कि ना, जो हमारे सीध में रेड लाइट है हमें साइड वाली दिखी नहीं क्योंकि वो साइड में छुपी हुई थी, जो हमारे सीध में हमारी तरफ मुड़ी हुई है, हमें लगा ये हमारी लेन की रेड लाइट है। हम घूमते तो दो रेड लाइट होती है, एक साइड में लगी होती है और एक साइड में लगी होती है। हाँ, तो हमें सेंटर वाली दिख रही थी तो हम सेंटर वाली पे रुक गए क्योंकि रेड लाइट, आपकी रेड लाइट ये नहीं है, आपकी पीछे वाली है। अब भाई हम जिंदगी में पहली बार आए हैं, हमें कैसे पता, तो जो आते जाते रहते जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा। तो हमने कहा सर हमें पता नहीं चला, क्योंकि भाई किसको चलान देना अच्छा लगता है, किसकी जेब में से पैसे जाए, किसी को चल नहीं लगता, तो पता, हमने, ही नहीं, पता भी नहीं लगा वो। हमें पता भी नहीं लगा कि हमारी रेड लाइट कौन सी, जो हमें रेड लाइट हमारी लगी हमने उस पर रोक ली, कहते नहीं 5 मीटर का दोनों में फर्क था। तो हमने कहा चलो ठीक है सर, जो आपकी इच्छा, आप फिर चलान काट दो, देना था। भाई रोड इतनी बढ़िया है मम्मी, रोड से तो कोई दिक्कत दुक्कत नहीं आ रही। नहीं अभी तो नहीं आ रही बेटा, आगे अभी बहुत रास्ता है, तो अभी ना ना पूछे। कल टाइम पे पूछ रहा है। वही ना भाई, प्लान में ना थोड़ा सा चेंज आ सकता है, क्यों, क्योंकि जो नाको है ना वो ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे रात का टेम्परेचर है -10 और टाबो थोड़ा सा लोअर एरिया, लोअर है तो वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है कम, तो फिर किधर रुकना है, नाको टाबो। पर नाको में एक फ्रोजन लेक भी है, वो भी देखने वाली चीज है। पहले एक बार नाको पहुंच जाते हैं क्योंकि टाबो तो नाको से आगे, अगर हमें लगा कि हम नाको रुक सकते हैं तो हम नाको रुक जाएंगे, नहीं तो फिर टाबो के लिए निकल जाएंगे। नाको दिखा रहा है कि हम 6 बजे तक पहुंचेंगे, 80 किलोमीटर है। अब ना थोड़े से पहाड़ अलग लगने लग गए हैं, लद्दाख वाले। हाँ वही मैं कहने वाला था, अब लद्दाख वाली वाइब आने लगी है, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़, नहीं तो इससे पहले थोड़े से हरियाली वाली पहाड़ थे, अब पूरे बंजर वाले पहाड़ आने लगे और रंग भी चेंज लग रहे हैं, कहीं पूरे बंजर है, कहीं ग्रीन है, कहीं का कलर दूसरा है, तो अब पूरी लद्दाख वाइब आ रही है। पेट्रोल पंप आ गया, मैं पू ज्यादा दिखा नहीं सकता आपको क्योंकि ना ये सारा मिलिट्री एरिया है, तो उसके लिए माफी है, यार कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाकी यहाँ से पेट्रोल भरवा लेते हैं, डीजल सॉरी फुल कर दो भैया, पूरा मिलिट्री एरिया है। अच्छा इसके ऊपर है गांव, आगे कहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा, अब इसका सीधा काजा, पू में लास्ट है, ठीक है। ये पू के बाद डबलिंग आ गया, पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ पे एंट्री उंट्री होती है। बेस्ट ये है कि रोड प्यारी बनी हुई है, चाहे सीनिक ब्यूटी है बट ये ना रोड अगर खराब हो ना तो ये जो सीनिक ब्यूटी का भी स्वाद लेने का मजा नहीं आता, बंदा अंदर हिलता रहता है। अब ऐसे आराम से बैठ के पूरा सीन एंजॉय करता हुआ जा रहा है, तो कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी रोड है। हाँ ये नाको विलेज आ गए, तो अभी हम ना नाको लेक देखने जा रहे हैं। हाँ बट हमने यहाँ पे लेक देखनी है जो बड़ी फेमस है, फ्रोजन लेक, वो फ्रोजन पता नहीं है या नहीं है, वहाँ पहुंच के चलेगा। भाई हम पहुंच गए नाको फ्रोजन लेक देखने, तो पापा और मम्मी नहीं आ रहे क्योंकि ना नीचे बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो मम्मी आ नहीं सकती, तो पापा फिर मम्मी के साथ वेट कर रहे हैं। आ पाती मम्मी कोठे तक तो सीढ़ी है। भाई मम्मी के लिए मुश्किल हो जाता। भाई ये सारी लेक ना फ्रोजन हो जाती है, अभी तो फ्रोजन नहीं है क्योंकि मौसम यहाँ खुल गया है, तो ये फ्रोजन लेक के नाम से फेमस है नाको ना, तो यहाँ पे बस मोनेस्ट्री और ये ज्यादा फ्रोजन लेक का ही देखने वाली चीज है।
ये कैफे बना हुआ है, खाना पीना तो खा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे तो वे साडे पलवल च पौंड ने यार, अब ऊपर जाना औखा हो जाएगा। और नाकू में ना ठंड भी ज्यादा रहती है क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में टाबो थोड़ी सी नीचे है, तो अभी भी यहाँ पे हवा चल रही है ना, तो पता चल रहा है। अच्छी बात है मम्मी और आप नहीं गए, बड़ी डीप डीप सीढ़ियां। इस साइड जो दिक्कत है ना बस रुई, ये दिक्कत है कि यहाँ पे शूटिंग स्टोन्स बहुत सारे हैं, छोटे छोटे पत्थर बड़े गिरते हैं ऊपर से ना, तो वो देख के चलानी पड़ती है। ये देखो बाज, देखो बाज नजर आया था। ओए होए होए भाई, वैसे ना मम्मी को पहाड़ों पे इतना मजा नहीं आता, बट ये सीनरी देख के ना मम्मी बहुत प्यारी लग रही है मेरे को। मम्मी ना बहुत कम ही वैलिडेशन देती है कि हाँ मजा आ गया, बट ये देख के मम्मी को मजा आ गया। हर जगह तो अपना अलग अलग व्यू होता है, मैं तो स्पेशल जो मैंने बहुत अच्छा लगता है ना, मैं तां बोलनी है ना, मेरी जो जान आ जाती है। हम सुमडू पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे ना वो है संगम। संगम क्या होता है, जहाँ दो रिवर मिल रही होती हैं, तो राइट से जो मेरे आ रही है अभी राइट से, ये है स्पीति रिवर, ये वाली स्पीति रिवर है ये, और जो लेफ्ट में है वो है परांग, परांग रिवर। दोनों का कलर देखो बिल्कुल अलग है, ये थोड़ी सी ज़्यादा वाइट है, ये देखो ये यहाँ पे मैं वो हो रहा है संगम, उधर से परांग रिवर आ रही है और यहाँ से स्पीति रिवर जा रही है। भाई अब हम स्पीति वैली एंटर कर चुके हैं, तो ना यहाँ से रोड ऐसी मिलेगी सिंगल सारी, तो यहाँ से छोटी भी बहुत है। 40 किलोमीटर 40 मिनट का रह गया टाबू ना। मोनेस्ट्री है जहाँ पे 500 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। अभी तो हम जा नहीं रहे, आते हुए जाएंगे, क्योंकि अभी तो रात हो गई है, टाइम क्या हो गया 7 बज गए, अभी मोनेस्ट्री शायद क्लोज हो गई होगी, तो आते हुए हम जाएंगे ग्यू टेम्पल, वेल प्रिजर्व 500 ओल्ड मम्मी। यहाँ पे ना सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है एक ही टाइम पे, सही जगह रोक दी उसने, हमने अंदर वाड़ दी तो फंस जाते। टाबू पहुंच गए हम, और ये ना पूरा लो लेवल पे है, तो यहाँ पे कम ठंड होगी। नाकू रुकते ना तो वो बिल्कुल हाइट पे है, वहाँ ज्यादा ठंड लगती है। टाबू अच्छा बना हुआ है, देखो इतने अच्छे अच्छे कैफे हैं यहाँ पे, ये होटल था मैत्री रेजेंसी। भाई तुसी नोटिस किया होगा कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, मैं फटाफट होम स्टे होटल मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो थैंक यू सो मच सुमित पाजी फ्रॉम जीरकपुर फॉर हेल्पिंग अस आउट, भाई कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है। और तजिंदर पाजी थैंक यू सो मच। भाई इतनी प्यारी प्लेस है ना, गर्मैश आ गई मम्मी, सुकून है, थकावट उतर जाएगी वापसी सारी, पूरी वहाँ पे गर्म हीटर लगा हुआ है। भाई इतना बड़ा सफर करके आके ना आपको होटल बढ़िया मिल जाए ना, सारी थकावट उतर जाती है, फुल रिलैक्सिंग हो गया, देख के रिलैक्स हो गया। भाई जिसने आना हो टाबू, यू कैन कम टू वाइट लोटस, मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगा, सो यू कैन कम और एंजॉय योर वेकेशन। राज भैया, भाई राज भैया की स्पेशल चाय, थैंक यू भैया, मजा आ जाए भी। राहत हाँ, मैं शाम से सोच रहा, मैं सिर में दर्द हो रही, कहीं चाय पीऊँ, यार चाय इतनी बढ़िया बनी है ना, लाजवाब। आओ सबको पीने खिलाओ। लो सर, ये रूम तो A1 औसम, खुश हो गई मम्मी की सारी थकावट उतर गई। फैमिली के साथ सारे कच्चे रहना ही पसंद करते हैं। कैसा लगा आप रूम? मजा आ गया देख के। मैं उधर व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, ये इन्होंने पूरा मल्ले मारी हुई है, ये चला के बैठे हुए हो, तीन फ्लोर ठंडी गर्म कर रही है ये। नहीं भाई बहुत अच्छा होम स्टे बना हुआ, होम स्टे नहीं होटल, बहुत अच्छा बना हुआ है। व्हाइट लोटस होम स्टे है, होटल है व्हाइट लोटस, जो भी है होम स्टे है होटल आप सर्च कर लेना व्हाइट लोटस, मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, इफ यू वांट टू कम यू कैन। भाई बड़ा गर्मैश आ गई, मैंने तो देखो निकर पाई हुई है। डिनर टाइम हो गया हमारा, क्या बात है भाई, रज के खाना खा लिया, होम फूड, होम कुक्ड फूड, मजा आ गया, मेरी तो आंखें भर गया, मेरे को तो कमरे तक जाने तक भी टाइम लगे, मैं अज यहीं सो जाए। बिल्कुल मत जी कार तू से काम दे हो रज के, पहले रज के काम दे हो, स्नैक्स वगैरह भी रोटी में बिल्कुल, उन मीठा आ गया गुलाब जामुन ले आए सर, ओए होए क्या बात है, चलेगा चलेगा।
भाई सर ना पूरे पंजाबी हैं, पंजाबियों के घर में होता है, रात को डिनर करके ना सुबह का डिस्कस होता है सवेरे की खाओगे। हिंदुस्तानियों में ना ये तो है घर का एक मतलब भैया सुबह क्या बनेगा, अभी रात की रोटी डिनर डन हुआ है और सुबह का बताओ क्या खाओगे। सर ने ट्रीट भी फैमिली की तरह किया है, हमने कहा था कि एक रोटी दे दो बस पेट में इतनी जगह, एक क्यों लो दो खाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर। भाई बाकी ये इस व्लॉग नू करदे आ एंड, मैं उम्मीद करदा तुहानू पसंद आएगा, जे पसंद आया तो डू इट द लाइक बटन, कमेंट जरूर कर जाना कि लगदे, जिन्हें सब्सक्राइब ठोक दो, फिर मिलते नेक्स्ट वाले दिन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।